आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे मीनाक्षी आंटी को। मीनाक्षी आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी परिवार का, गुरु जी की संगत का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले मैं विक्रम अंकल और कुनान अंकल का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, थैंक्स करूंगी कि वो मेरे को कई बार मेरे से मना भी करना पड़ता है बिजी होने की वजह से, मगर फिर भी वो मेरे को शायद गुरु जी की आज्ञा होती है कि सत्संग करते जाओ। मैं कई बार अंकल को बोलती हूँ, अंकल वो पुराना ही सत्संग है। अंकल कहते हैं नहीं, कुछ नया पुराना नहीं होता। जैसे गुरु जी भी बोला करते थे कि कुछ नया पुराना सत्संग नहीं होता, आप अपना सत्संग शेयर करो, किसको क्या उससे मैसेज मिलेगा हमको नहीं पता। तो सबसे पहले तो संगत जी, आज का जो अभी लास्ट गुरबानी चल रही थी, बिगड़ी तकदीर को तुमने बनाना है, तो जब मैं मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 97-98 में शुरू हुई और बहुत ही प्यारी जर्नी रही है गुरुजी के साथ संगत जी मेरी, रोज का ही कुछ ना कुछ सत्संग है, मगर मैं कोशिश करूंगी अपना जो गुरुजी के साथ इतने सालों का जो मेरा गुरुजी का साथ है मैं अपना शेयर कर सकूं। और जिस दिन हम पहली बार जब गए थे, आई थिंक इट वॉज 97 दिसंबर, एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठा करते थे, तब भी यही भजन यही गुरुबानी चल रही थी, बिगड़ी तकदीर को तुमने बनाना है, हमें अपना बना लो गुरुजी, मतलब कभी हमें छोड़ना नहीं गुरुजी। तो पता नहीं गुरुजी अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा हमको बता देते हैं। तो संगत जी, हमारी जर्नी 97-98 में जैसे मैंने बताया शुरू हुई, और आई थिंक ऐसी कहीं पे भी गुरु के पास जाने का कोई ना कोई रीजन होता है। तो हमारा भी एक रीजन था कि मेरी सिस्टर इन लॉ के 3rd मंथ में मिसकैरेज हो जाता था एंड शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव। कंसीव करती थी मगर 3rd मंथ में उनका मिसकैरेज हो जाता था, एंड मतलब काफी परेशान थे, 3-4 मिसकैरेज हो गए थे, तो काफी परेशान थे कि बेबी नहीं हो रहा है। और किसी ने हमको बोला, इनफैक्ट अलका दीदी मेरी कजन है, उन्होंने वही हमको लेके गए गुरुजी के उधर कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो अगर आप चलो तो चलिए। तो मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग गए और हमने जैसे ही माथा टेका, मम्मी ने और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो बिना कुछ हमारे बताए गुरुजी ने बोला कल्याण कितना। तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे कैसे, हमने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। संगत जी, गुरु जी बहुत कम बोला करते थे, और जब हम वहां पे गए एम्पायर स्टेट में, तो वहां का जो नजारा था वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था जो शायद मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। और गुरु जी के चेहरे पे इतना नूर था कि गुरु जी को आप डायरेक्ट आई थिंक सीधा देख नहीं सकते थे, आंखें आपकी बंद होने लगती थी। तो उस टाइम तो हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, और गुरुजी ने बोला कल्याण किया, तो हमने एक दो लोगों से वहां पे पूछा कि ये क्या बोला, कहते हैं कि मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि एक बार में गुरुजी ऐसा बोल दें। और मम्मी ने बोला कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो कहते सबने बोला कि आप बैठिए, और वही वहां पे होता था, पहले गुरुबानी चलती थी और फिर 4 लोग एक प्लेट में लंगर प्रसाद किया करते थे, और बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी संगत जी उस टाइम, मैक्सिमम 30-40 लोग, मे बी नॉट मोर देन दैट। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए इधर, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, जैसे उनको बेबी नहीं हो रहा था, तो उन लोगों दोनों ने प्लान किया जिया जी और उन्होंने कि हम बेबी को एक अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत जगह फॉर्म्स भरे थे, बहुत जगह नाम लिखवाया, फिर दिल्ली, चेन्नई में रहती हैं वो, तो वो दिल्ली आई तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे मैंने बहुत जगह फॉर्म्स भरे हुए हैं और नाम है। तब तक हमें नहीं पता आइडिया था कि अडॉप्शन में भी इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर जैसे कहीं एक जगह से उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक बेबी है तो आप देख लीजिए आके, तो वहां पे जाके देखा, नॉर्मली इन सेंटर्स से आप बच्चों को बाहर किसी चेकअप के लिए नहीं लेके जा सकते, मगर पता नहीं क्यों हम लोगों के दिमाग में आया कि बिना चेकअप के हम नहीं अडॉप्ट करेंगे।
तो उनसे हमने पूछा, तो तब मेरी डॉटर, आई हैव टू डॉटर्स, तो हम लोग जीके में रहते थे और जीके से निजामुद्दीन में डॉक्टर गुल चिकत्यानी हुआ करती थी, इनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हम लोग वहां पे जाया करते थे। तो सेंटर में हमने बोला कि हमने उन्हीं को चेक करवाना है, तो कहते हैं कि नहीं, हमारा भी यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं तो वो आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे, बट आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट हैड अ फेथ और वट एवर, वी सेड कि नहीं, हम लोगों को हम उधर ही लेके जाएंगे। नॉर्मली बच्चों को वो ऐसे बाहर ले जाने नहीं देते हैं, मगर आई डोंट नो कैसे उनको, हमको परमिशन दे दी उन्होंने। एक बच्चे को, पहले वाला जो बच्चा था उसको लेके गए, तो डॉक्टर गुलजगतानी ने मना कर दिया कि नहीं, इसकी तो मतलब काफी प्रॉब्लम्स होंगी एंड नहीं, ये नहीं। फिर नेक्स्ट सेकेंड बेबी जो था, शी वॉज अ गर्ल एंड वेरी हेल्दी बेबी, वेरी क्यूट बेबी। जैसे ही हम उनको, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो देखते सार उससे बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मीनाक्षी, सोचना भी नहीं इस बच्चे को अडॉप्ट करने का, आई थिंक शी हैज अ प्रॉब्लम टू डू विद द लिवर। तो ऐसे डॉक्टर साहब, आप बिना चेक किए बिना कुछ बोले कैसे बोल रहे हो, बट हर एक्सपीरियंस में भी और वट एवर, बट देन शी सेड ओके, अगर आप इतना, मैं कहा शी इज बेबी इज लुकिंग सो हेल्दी, हाउ कम डॉक्टर्स आप ये प्रॉब्लम बता रहे हो। कहते कि एनी वेज यू गो टू माई गुरु, माई सीनियर इन ग्रीन पार्क, एंड एक उन्होंने टेस्ट लिख के दिया कि ये टेस्ट करवा लो, मगर एक बार आप उधर दिखा लीजिए। डॉक्टर आर्यन थे वहां पे, तो हम लोग उधर जीके गए, तो वहां पे गए, जैसे उनके क्लिनिक में एंटर किया, इवन ही सेड कि बेबी इज लुकिंग वेरी हेल्दी, वाई गुल इज सेइंग फॉर दिस टेस्ट, बट देन ही सेड कि इफ शी इज सेइंग वी कांट इग्नोर हर, तो हमको वो टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। एंड संगत जी, उस टाइम वो टेस्ट काफी एक्सपेंसिव था, बट वी सेड कि नो विल गो फॉर दैट टेस्ट, एंड टेस्ट करवाया। इधर जिया जी ने अपना सारा, मतलब हमने मतलब पूरा सोच लिया था इस बेबी को अडॉप्ट करने का, तो सारे फॉर्म्स वगैरह फिल, क्योंकि इनको आए हुए काफी दिन हो गए थे, जिया जी वॉन्टेड टू गो बैक, इन्होंने सब फॉर्म्स वगैरह में साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो उधर क्या होता है कि नॉर्मली इन सेंटर से आपके साथ एक जना, मतलब कोई जाता है टू सी कि आपने जो डिक्लेयर किया है अपना फैमिली का स्टेटस वो एक्चुअल में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप बोल कुछ रहे हैं और आपके पास वहां पे मतलब आप बच्चे को ठीक से नहीं रख पाएंगे या कुछ, तो उनकी एक फॉर्मेलिटी होती है। और वे बैक संगत जी, उस टाइम इतना फ्लाइट्स वगैरह का नहीं होता था, तो शिदाब ट्रेन में ही बुकिंग हुई। तो जिया जी जैसे फर्स्ट क्लास में थे, उसकी नॉर्मल क्लास में कराई है, सेकेंड में क्लास में कराई, तो ये लोग चेन्नई के लिए निकल गए। इधर वो सब फॉर्म्स वगैरह सब फिल हो गए, सब कुछ हो गया, एंड वी वर वेटिंग फॉर द टेस्ट रिपोर्ट टू कम। टेस्ट रिपोर्ट जैसे ही आई तो पता चला कि द चाइल्ड हैज दिस प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम थी, इट्स रिलेटेड टू द लिवर। तो डॉक्टर गुल जगतानी कहने लगे कि मीनाक्षी, अगर आप इस बच्चे को अडॉप्ट करोगे तो आप सारी जिंदगी हॉस्पिटल के ही चक्कर काटते रहोगे। देन दीदी सेड कि अगर अपना होता तब भी तो हम कहते, अपना होता इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जानबूझ के आप उस चीज को लेकर रहे हैं जो आपको मैं बता रही हूं कि मतलब आप हर दूसरे दिन हॉस्पिटल बैठे हो गए। देन माई सिस्टर इन लॉ वॉज फीलिंग वेरी बैड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि अपना हो नहीं रहा है और जिसको भी मैं हाथ लगा रही हूँ उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रही है, आप कैसे कैसे गुरुजी के पास गए थे जिन्होंने बोला कि कल्याण कितना। खैर हमको, वी डिडंट हैड एनी आंसर टू गिव टू हर, सो ये भी अपना वापस चली गई चेन्नई, मतलब काफी बैड मूड से। उधर संगत जी, जो सेंटर से जो जना गया था जिया जी के साथ, व्हेन दे रीच टू चेन्नई एंड जिया जी स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट गाय एंड ही वाज नॉट देयर, ओनली वो उनको मिला ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ उतर गया, क्या हुआ, समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ चला गया, वो बंदा मतलब चेन्नई पहुंचा ही नहीं। तो दे सेड कि पता नहीं, बहुत ही अजीब सी बात हुई। इधर हमने फोन करके उनको बताया कि मोबाइल्स भी नहीं होते थे, आप ट्रंक कॉली बुक होती थी या इतना मोबाइल्स का था नहीं उन दिन, उस टाइम तक तो, बट दे वर वेरी अनहैप्पी कि ये मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। संगत जी, गुरुजी हैड सम अदर प्लान्स फॉर देम जो हम कॉमन मैन, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो गई वहां पे गई और आफ्टर फ्यू मंथ्स वी केम टू नो दैट शी हैज कंसीव्ड
एंड जो उनको प्रॉब्लम होती थी वो भी डॉक्टर्स को पता चल गई कि उनका ब्लड जो होता था वो बहुत थिक हो जाता था, जो बेबी के नहीं जाता था, दैट्स व्हाई मिसकैरेज हो जाता था. सो दे स्टार्टेड गिविंग हर द ब्लड थिनर इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ. एंड उनको बहुत प्यारी एक बिटिया हुई 7th March 2001. सो गुरुजी हैड प्लान्ड समथिंग एल्स. गुरुजी ने उनको अपना बच्चा जब देना था तो वो अडॉप्शन कैसे होने देते हैं, हमको तब मतलब थोड़ा सा समझ में आया. मगर संगत जी मेरे को लगता है कि जो अब नई संगत आजकल आज अभी जो जुड़ रही है वो ज्यादा जल्दी कनेक्ट होती जा रही है, बिकॉज उसका रीजन है, गुरुजी मेरे को माफ कीजिएगा, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को एज अ गॉड मानना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. जो हम गुरुजी जब थे हम लोगों को नहीं समझ में आया, हम पूरा सरेंडर, हम बोलते तो हैं सरेंडर करना, बट सरेंडर द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल बट द मीनिंग इज वेरी डीप. यू हैव टू, गुरुजी क्या करते थे, अपनी जुतियां नाल अपना दिमाग भारी छटके आया करो. तो गुरुजी का मतलब एक अलग ही वो था. फिर क्या हुआ कि माए अलका दीदी हैं, उनका सत्संग शायद आप सबने सुना होगा, बट मैं थोड़ा सा उसको शेयर करूंगी. तो अलका दीदी को उधर उनकी, मेरी सिस्टर नौ की तो बेबी हुई, बेटी हुई, एंड विद गुरुजीज ग्रेस नाउ शी इज अ इंजीनियर एंड वर्किंग इन वेरी गुड कंपनी. और उस बच्ची को गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं. तो बाद में हमको लगा कि अरे जब मतलब उनको गुरुजी ने अपना बेबी देना था तो वो अडॉप्ट कैसे होती करने देते हैं. तो अलका दीदी का सत्संग, अलका दीदी को इनको कैंसर डिक्लेयर डिडक्ट हुआ एंड इट वाज अ फोर्थ स्टेज कैंसर. एंड डॉक्टर सेड कि वेरी फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास. तो काफी उनका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ, कीमो शुरू हुआ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू गो विद हर फॉर द कीमोथेरेपी. एंड उनका तो एक अलग ही लेवल का, गुरुजी के साथ फेथ कह लो या सरेंडर कह रहे हो, उन्होंने उधर सबने बोलना कि कुछ कच्चा नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना. उन्होंने एक कीमो हॉस्पिटल में हो रही है तो शाम को हम लोग उनको लेके बड़े मंदिर जाते थे. एंड शी यूज टू से गुरु जी एक कीमो उत्थे कराइया, दूजी कीमो तुहाडे कोल आई हैं कराने वास्ते. और हम बोलते थे कि दीदी वो चटनी मत खाना या कुछ मत खाना. कहते नहीं, कैसे नहीं खाना, ये तो मेरा, ये तो मेरी दवाई है, इसको तो मेरे को खाना ही खाना है. तो उनका लेवल एक अलग ही था संगत जी, है मतलब अभी भी है. मगर फिर एक दिन उनकी पैट स्कैन होना था तो मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी, तो मैंने कहा दीदी आप चलो वहां पे, आप कराना शुरू करो और मैं पहुंचती हूँ. तो मैं जब पहुंची वहां पे तो मैंने देखा कि मैं कहा हो गया क्या, कहते कि हाँ हो तो गया. मैं कहा कपड़े क्यों नहीं चेंज किए आपने, कहते नहीं डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कपड़े नहीं चेंज करने, दोबारा से होगा. मैं कहा दोबारा से होगा क्यों, कहते पता नहीं लगता है इन्होंने कुछ नहीं मिला. तो मैंने कहा अच्छा. मैं अंदर गई तो वहां पे देखा तो टेक्नीशियन और डॉक्टर्स आपस में पुरानी रिपोर्ट देख रहे हैं, नई रिपोर्ट देख रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है. तो मैंने बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो ही वॉज लिटिल दिस थिंग हाइपर हो रखे थे, कहते कि इनको अंदर किसने आने दिया, इनको बाहर निकालिए, बाहर भेजिए इनको. तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहा डॉक्टर साहब हुआ क्या है, कहते कुछ नहीं हुआ है, आप बाहर जाइए और इनका पेट सेन दोबारा से होगा. तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. वो आपस में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस बात कर रहे थे कि पहले तो ऐसी रिपोर्ट थी, आपका मतलब सारा क्लियर कैसे है. तो बट देन दे सेड टोल्ड मी कि टू गो आउट, डोंट कम इनसाइड. आई सेड ओके फाइन. बट दीदी वाज वेरी हंग्री, सो आई आस्क्ड डॉक्टर, आई सेड कि अभी आप कितनी देर में करेंगे, उनको बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो मैं उनको कुछ खिला लाऊं क्या कैफेटेरिया से. ही सेड ओके ठीक है, आप चले जाइए और आप कुछ खिला के ले आइए इनको. देन वी वेंट ऊपर, तो दीदी सेड कि मीनू कुछ कच्चा नहीं चाहिए, मतलब कुछ सब कुक्ड होना चाहिए. आई सेड ओके. सो आई वेंट देयर, तो वहां पे सैंडविचेस वगैरह थे, उसमें भी जो म्यूनिस वगैरह होती हैं, शी वॉज नॉट सपोज टू ईट दैट. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या लूं. इतनी देर में देखते हैं कि दूर से समोसों की ट्रे आ रही है. एंड दैट डे संगत जी, इट वॉज अ मंडे,
देन कैफेटेरिया गाय ऑल्सो सेड कि अरे तू ये समोसे तो 4 बजे लेके आता, तू आज सुबह कैसे ले आया? कहता पता नहीं जी, आज मतलब उन्होंने बोला ये लेके जाओ उधर हॉस्पिटल लेके जाओ। देन आया आज सर, दीदी समोसा खाओगे? कहते लो देखा आज हम मंदिर नहीं गए ना, तो गुरुजी ने हमारे लिए समोसा प्रसाद यहीं पे भेज दिया है। तो एंड हमने वहां पे चाय वगैरह पी और समोसा खाया और वापस आए, वापस दोबारा से उनका हुआ। देन डॉक्टर सेठ की अलका जी मतलब आपका तो बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। सो वी स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर की कैसे क्या क्या नहीं। कहते हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा करके देखते हैं क्या मतलब कुछ शायद टेक्नीशियन से कुछ फॉल्ट हुआ या क्या हुआ है। मतलब दे वर वेरी कंफ्यूज, दे डिड द टेस्ट अगेन बट दे वर नॉट एबल टू। देन दे सेड कि नहीं जो अभी जो ट्रीटमेंट है जो वो है वो तो पूरा करेंगे ही करेंगे, बट देन दीदी क्या मीनू डॉक्टर भी फेल हो गए हैं, गुरु जी आ गए। मैं कहा बिल्कुल दीदी डॉक्टर भी फेल हो गए हैं। तो दैट वॉज द फेथ शी हैड। संगत जी पता नहीं इतना मैंने क्लोजली सब कुछ देखा, बहुत क्लोजली ये सब कुछ देखा मैंने, फिर भी मेरे को जैसे कहते हैं ना एक डाउट कि मतलब मेरे साथ जब आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस होता है शायद आप तभी टोटली सरेंडर कर पाते हो। तो मेरे को इतना क्लोजली मैंने सब कुछ देखा, मैं तब भी शायद 100% सरेंडर नहीं कर पा रही थी। तो मेरी लाइफ में गुरुजी ने, संगत जी मेरे को मंत्र जाप में मेरे को बहुत पावरफुल लगता है और मेरी मंत्र जाप की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में गुरु जी के मंत्र जाप की, क्योंकि मेरे मतलब जैसे सांस लेते लेते भी मैं शायद मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो ये हुआ जब तो 2014 में मई का महीना था। तो आई हैड इनवाइटेड फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड फॉर लंच। तो मगर उससे पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था अलका दीदी का सब कुछ इतना क्लोज देखने के बाद भी कि ठीक है गुरुजी हैं, मगर मैं टोटल अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो आई हैड इनवाइटेड फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड एंड दैट डे इट वाज माय डॉटर्स पीटीएम। तो मेरे को लगा कि पीटीएम में जाने से पहले वहां पे कई बार बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं कुछ मतलब करके खाना वगैरह कुछ तैयारी करके जाऊं जिससे कि आने वापस आके कुछ पैनिक ना हो। तो मैंने एक तरफ कुकर रखा, उसमें चने रखे संगत जी, एंड आई वाज डूइंग द नॉर्मली क्या है कि मैं टीवी लगाती हूँ तो टीवी में जैसे भजन लगा दिया कुछ भी लगा दिया। तो आई डोंट नो व्हाई वो उस दिन मतलब भजन बिल्कुल एकदम से टीवी ब्लैंक हो गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग द मंत्र जाप। इतनी देर में क्या हुआ कि आई डोंट नो हाउ बट कुकर जो था वो फट गया, कुकर फट गया संगत जी। एंड आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द गैस टू द चूल्हा एंड इतनी जोर से आवाज हुई कि मेरे हस्बैंड बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे लॉन में बैठे हुए, ही केम रनिंग, माई डॉटर वॉज टेकिंग अ शावर, शी केम आउट। बाद आस पास के जितने लोग गार्ड्स वगैरह थे सब आ गए कि मतलब जैसे इतना जोर से ब्लास्ट हुआ कि मतलब आई कैन टेल यू। और पूरा किचन तहस नहस हो गया, मतलब चिमनी टूट गई ऊपर तक, मतलब छत तक पानी, और कुकर के कितने पीसेस हुए आई रियली डोंट नो। एंड आई वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द गैस एंड जो कोई भी अंदर आया सबने बोला कि कोई था तो नहीं यहाँ पे। तो आई सेड आई वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू दैट एंड संगत जी यू वोंट बिलीव मेरे ऊपर एक पानी का ड्रॉप नहीं, एक कुछ नहीं, चिमनी टूट गई, चूल्हा टूट गया और माइक्रोवेव टूट गया, मतलब मींस जहां जहां पे कुकर का वो गया सब कुछ टूट गया। बट आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द थिंग एंड मतलब गुरु जी ने मेरे को शायद उस दिन दूसरी लाइफ दी। और मेरे को ऐसे कहा जैसे गुरु जी कह रहे हैं हूं कुछ और कुछ तेनू देखना है। और जब चूल्हा टूटा तो गैस लीक होने लग गई, और गैस लीक होने की व्हेन माय हस्बैंड केम रनिंग, तो आई मैंने उनको साइड में किया, हमारे जो सिलेंडर्स हैं वो ड्राइववे में पड़े हुए हैं, मैंने जाके सिलेंडर को ऑफ किया। और मतलब मेरा दिमाग तब भी मतलब मेरे को मतलब जैसे सारा मतलब ठीक से चल रहा था, गुरुजी ने जैसे कुछ वो मेरे को टेंशन नहीं दी कुछ नहीं दिया एंड मतलब इट वॉज सच अमेजिंग थिंग एंड दैट वॉज द डे आफ्टर दैट देर इज नो लुकिंग बैक संगत जी, देर इज नो लुकिंग बैक।
गुरु जी की कृपा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा, मैं किस किस चीज का गुरु जी को शुक्राना करूं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर गुरु जी ह्यूमन बीइंग है संगत जी, एक दिन जैसे बड़े मंदिर गए तो जो बड़ा हॉल है, आई वॉन्टेड टू सिट देयर वन पर्टिकुलर प्लेस, तो वहां पे एक सेवादार थे, उन्होंने मना कर दिया मेरे को, नहीं आपने यहाँ पे नहीं बैठना है और आप उधर बैठिए जाके, और उन्होंने किसी और को वहां पे बिठाया। तो आई डोंट नो व्हाई दैट केम इन माय माइंड कि अब ये नए नए सेवादार आ गए, ये अपनी बहुत पार्शलिटी करने लग गए हैं, जो अपने जान पहचान के लोग होते हैं उनको ऐसे बिठाते हैं। इट वॉज ऑल इन माई माइंड, मैंने किसी को कुछ नहीं शेयर किया ये बात, बट आई केम बैक। उसके कुछ दिन बाद गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा में संगत जी जैसे आपको पता है बड़ा फंक्शन होता है बड़े मंदिर में, तो हमारा प्लान बना अलका दीदी मैं और जो मेरे साथ लोग जाते हैं कार में कई लोगों का, और बना प्रोग्राम जाने का कि ठीक है 2:30 बजे निकलेंगे। तो अलका दीदी का फोन आता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर और भी जो 2-3 लोग जाते हैं सबने मना कर दिया। सो आई वॉज वेरी दिस थिंग कि अब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और जो लोग मेरे को, कई लोग हैं जो बोलते थे कि आपकी कार में जब भी जगह हो तो हमको ले जाना, सो आई कॉल देम ऑल्सो कि ऐसे ऐसे कार में जगह है, आई एम गोइंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कमिंग, बट ऑल ऑफ देम रिफ्यूज, सबने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं आज हम नहीं जा सकते हैं। तो आई वॉज लिटिल दिस थिंग कि अब मैं क्या करूं, तो आई सेड कि ओके। देन माई हस्बैंड कॉल कि तुम गई नहीं अभी तक, आई सेड कि नहीं यार कोई भी नहीं जा रहा आज, तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, तो मैं नहीं जा रही हूँ, ही सेड ओके। देन मगर मेरा मन नहीं माना, आई सेड कि नहीं मेरे को तो जाना है। आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड, आई सेड नो आई एम तो गोइंग, नो वन इज गोइंग बट आई एम गोइंग अलोन। ही सेड ओके फाइन, इफ यू आर गोइंग अलोन इट्स फाइन, बट तुम वापसी पे गुड़गांव वाली संगत जी मोस्टली ये फार्म हाउसेस के बीच में से इधर फरीदाबाद रोड से जाते थे हम लोग, तो उन्होंने बोला कि रात को उधर से नहीं आना, तुम लेट हो जाएगा, तुम आना मेहरोली रोड से आना वापस। आई सेड ओके संगत जी। आई वेंट अलोन देयर एंड जैसे कार पार्क की, कार पार्क काफी दूर हुई, तो वहां पे जो एक अंकल खड़े थे सेवा कर रहे थे, उन्होंने मेरे को इशारा करके बुलाया कि आंटी आओ जल्दी आओ, और वहां पे एक कार थी उस पे बिठाया कि आप जाइए उधर। और वहां पे बड़े जब होता है तो भारी जूते उतारने होते हैं, जो बाहर का फार्म हाउस है उधर, फिर उधर से पैदल अंदर जाते हैं, तो वहां पे मैंने जूते उतारे और मैं वहां पे पीछे खड़ी हुई थी, आगे से एक अंकल ने इशारा करके बुलाया कि मतलब इशारा किया आगे आने के लिए। सो मैं उनको नहीं जानती थी, तो मेरे को नहीं समझ में आया कि क्यों बुला रहे हैं, तो सबने बोला कि आपको बुला रहे हैं, मैं कहा मैं तो नहीं जानती हूँ, कहते नहीं आपको ही बुला रहे हैं। देन मैं बिल्कुल आगे चली गई संगत जी, और जैसे लाइन शुरू हुई तो आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द बड़ा मंदिर। सो वहां पे आप लोग गए हैं तो आपको पता होगा कि बड़ा जब फेस्टिवल होता है तो दो साइड से रास्ते बन जाते हैं और बीच में जगह होती है, तो वहां पे जो गुरुजी की गद्दी के पास जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मेरे को इशारा करके बोला कि आप उधर बैठ जाइए बीच में, वहां पे जहाँ पे जगह बननी है, वहां पे मैं बैठ गई। आई स्टार्टेड डूइंग माय मंत्र जाप, एंड ये करते करते एकदम से दिमाग में आया कि मैंने उस दिन मतलब वो शक किया था कि सेवादार बहुत पार्शल हो गए हैं, एंड मतलब आज गुरुजी ने मेरे को इतना VIP ट्रीटमेंट दिया है कि मतलब हर एक जगह, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर फास्ट, मतलब इतनी संगत होने के बाद भी। और वहां से उधर उस जगह से सब लोगों को उठाया उन्होंने, मगर दे डिडंट से एनीथिंग टू मी टू गेट अप फ्रॉम देयर। मैं अपने आप ही थोड़ी देर के बाद उठ के बाहर गई, लंगर प्रसाद लिया, देन आई थॉट कि ओ माय गॉड गुरुजी, गुरुजी मतलब हर एक, मतलब हर एक चीज का आंसर आपको किस फॉर्म में दे देते हैं, मतलब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने देते। तो गुरुजी की प्लानिंग पहले से ही शुरू हो गई कि ज्यादा लोगों को इसके साथ नहीं भेजना है, अगर ज्यादा लोग होंगे तो ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आई वेंट ऑल अलोन, एवरीवन टोल्ड दैट डे टोल्ड कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। आई वाज द सिंगल पर्सन टू गो, एंड गुरुजी ने मेरे जो एक मेरे मन में डाउट आया था उसको शायद क्लियर किया, शायद क्या क्लियर किया उस दिन मेरे को। और आई वॉज बैक होम बाय 6, एवरीवन वॉज शॉक्ड एट माई हाउस कि हाउ कम यू आर बैक सो अर्ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम बीच रास्ते से वापस आ गई हो क्या।
मतलब बड़े जब होता है सत्संग वहां पे, बड़ा जब फेस्टिवल होता है, तो इतनी जल्दी आने का मतलब ही नहीं। आ सर कि गुरु जी ने आज इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसे हैं गुरु जी संगत जी कि कुछ भी दिमाग में आता है, कुछ भी थॉट पे आता है, उसको कैसे क्लियर कर देते हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। एंड संगत जी, मेरी छोटी बेटी, शी वॉन्टेड टू डू अ होटल मैनेजमेंट कोर्स, एंड हमने सब जगह फॉर्म्स भरे उसके, तो फॉर्म्स सब जगह भरे और सब जगह उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ, बट शी वॉज वेरी कीन इन डूइंग द होटल मैनेज फ्रॉम ओबरॉय ग्रुप। दे हैव देयर स्टेप प्रोग्राम इन दैट, बट सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। और बहुत सारे उसके इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे उसके रिटन और प्रैक्टिकल सब टेस्ट होते हैं। तो गुरु जी की कृपा से उसको स्टेप में, जैसे जैसे वो एक जैसे उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो वो कभी नहीं बोलती थी फोन करके कि मम्मा हो गया। शी ऑलवेज यूज्ड टू से जय गुरु जी। जय गुरु जी मीन्स कि द फर्स्ट राउंड हैज बीन क्लियर। सो राउंड 5-6 राउंड उसके सारे, उसको स्टेप प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया ओबरॉय ग्रुप में। एंड उसकी फर्स्ट जो थी ट्रेनिंग जो थी वो राजविलास जयपुर में थी। तो हम लोग जब उसको छोड़ने गए राजविला, तो वो उन्होंने हमें राजविला का पूरा ओबरॉय उसका होटल का टूर कराया। तो संगत जी वहां पे एक छोटा सा मंदिर शिव जी का, जो बाहर से अगर आप देखो तो लगता है जैसे मस्जिद है, बट जब मुगल्स आए थे तो शिवलिंग्स को बचाने के लिए तब उन्होंने मतलब ऐसा किया था कि बाहर से वो शिव लगे कि मस्जिद है, बट इनसाइड इट वाज अ टेंपल। तो वहां पे शिवलिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड, 180 ईयर्स ओल्ड टेंपल आउट देयर, जहाँ पे पुजारी जी आते हैं और मतलब सारी मतलब उन शिवलिंग का पूरा मतलब पूजा की जाती है, सारा ध्यान दिया जाता है। तो जब हमें राउंड करवा रहे थे तो आई आस्क्ड पुजारी जी की मतलब क्या मैं अंदर जाके माथा टेक सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ चले जाइए आप अंदर। तो व्हेन आई वेंट इनसाइड, देन आई डोंट नो, जैसे ही माथा टेका तो ऐसा लगा कि गुरुजी वहां पे हैं और गुरुजी कह रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं और कुछ चाहिए तेनू। तो गुरुजी किस फॉर्म में कैसे क्या दे देते हैं संगत जी, इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से। एंड फिर उसके बाद स्टेप करने के बाद शी वॉन्टेड टू डू मास्टर्स ऑल्सो विद ओबरॉय ग्रुप, दैट इज OCLD, दैट्स देयर कोर्स। अगेन द सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड, ओनली 18-19 सीट्स ऑल पूरे उसमें। एंड शी वॉन्टेड टू डू द कलिनरी कोर्स ओनली, तो 18-19 सीट। और एप्लीकेशन तो आपको पता है कि इतनी एप्लीकेशन, हजारों के हिसाब से एप्लीकेशन, शी क्लियर दैट ऑल्सो। एंड विद गुरु जीज ब्लेसिंग संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, नॉट अ सिंगल पेनी वी स्पेंड ऑन हर कोर्स, नाइदर ऑन द स्टेप नॉर ऑन द OCLD। एवरीथिंग वॉज टेकन केयर बाय ओबरॉय ग्रुप, एंड इन फैक्ट शी वॉज गेटिंग द स्टेपन ऑल्सो आउट देयर। वहां पे गुरु जी जयपुर जब गई थी, तब उसने जब उसको मौका मिलता था वो गुरु जी के सत्संग में चली जाती थी। तो जो उनका अकोमोडेशन है दैट इज लिटिल आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर। तो वन डे शी टोल्ड मी, मामा मैं ना गुरु जी के सत्संग में जा रही हूँ, इट वॉज लिटिल लेट ओनली। सो आई टोल्ड हर, आई सेड कोशकी आप ना बेटा ठीक है जाओ, मगर चाय प्रसाद लेके ही वापस आ जाना क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा अदरवाइज। तो शी सेड ओके फाइन, मैं मामा वापस आ जाऊंगी। देन आफ्टर 1 आवर और सो शी कॉल मी, शी सेड, आई सेड यू आर बैक, कहती हाँ जी मामा। एंड यू वोंट बिलीव, आई हैड अ, जहाँ पे मैं बैठी थी वहां पे चाय प्रसाद तो जाते सार मिला, फिर लंगर जब शुरू हुआ तो मैं लंगर भी करके आई हूँ। आई सेड अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें लंगर भी हो गया, सब कुछ हो गया, कैसे हो गया? देन शी सेड कि मामा वहां पे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहां पे उन्होंने सबसे पहले मेरे को लंगर दे दिया, उन्होंने बोला इनको, इन आंटी को दो लंगर पहले। तो और मेरे को लंगर दिया, और बाहर जब मैं निकली तो एक ऑटो वाले भैया खड़े थे, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, एंड ही सेड कि मैं आपको छोड़ मतलब छोड़ देता हूँ। कहते मैं, आई नेवर टोल्ड हिम कि मेरे को कहाँ पे जाना है, उनको कैसे पता चला कि, और जबकि उस जगह जाने के लिए ऑटो मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है संगत जी। सो आई डोंट नो, गुरु जी
गुरु जी कहते हैं एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ाओ ना आप, बाकी सब चीजें मैं संभाल लूंगा। तो दैट्स द थिंग, उसने एक कदम आगे गुरु जी को, गुरु जी टुक द केयर ऑफ एवरी थिंग एंड शी वॉज बैक होम ऑन टाइम एंड शी टोल्ड मी मम्मा मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से मैं दर्शन करके आई हूँ। देन शी वॉज पोस्टेड इन आफ्टर हर OCLD शी वेंट टू बॉम्बे, शी वेंट टू मुंबई एंड वहां पे जो गुरु जी का मंदिर है वो काफी दूर है संगत जी सिटी मतलब मेन उधर से, मतलब काफी एफर्ट। उस पता नहीं उसको किसी अंकल का फोन आया, मैं कहा किस कहां से आया तेरे को फोन, कहती किसने दिया तेरा नंबर, कहती मम्मा पता नहीं किसने दिया, और उन्होंने बोला कि बेटा अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमको फोन कर लेना चाहे जिस भी टाइम। तो ऐसे यू मस्ट हैव गिवन द नंबर टू हिम, ऐसे कैसे फोन आया, कहते नहीं उन्होंने बोला जय गुरु जी और आप मेरे को जब भी कोई भी दिक्कत हो, ये संगत परिवार का ये उन्होंने मेरे को एक ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया है, और कुछ भी दिक्कत हो कभी भी कुछ हो तो हमको बता देना। तो संगत जी हमारा गुरु परिवार इतना बड़ा है, सब जगह है, आई थिंक अपने तो जब पहुंचेंगे गुरु परिवार जो हमारा है वो शायद पहले खड़ा हो जाता है हमारे साथ, कुछ भी होता है कुछ भी जब प्रॉब्लम होती है तो। एंड इसका जब भी इसको मौका मिलता था ये मंदिर, कहते कि मामा यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे एम्पायर स्टेट वाले मंदिर में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। देन व्हेन आई वेंट टू मीट हर टू मुंबई, वी वेंट अगेन टू, आई सेड रियली मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पुराने दिन वापस आ गए जब हम शुरू शुरू में गुरु जी के पास जाया करते थे, थोड़ी सी संगत मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं कोई कुछ नहीं, और आराम से बैठो जितनी देर मर्जी बैठो, कोई मतलब नहीं बोलेगा आपको जाने के लिए कुछ नहीं, तो इट वॉज रियली अमेजिंग। फिर संगत जी कोविड आया, कोविड एज एवरी वन हैड अ वेरी टफ लाइफ ड्यूरिंग द कोविड, सबने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं, और आई थिंक फर्स्ट वेव वॉज स्लाइटली ओके बट सेकेंड वेव ने सबको हिलाया, और वैसे ही हम भी बहुत हिले कोविड के टाइम में, हम सबको कोविड हुआ, मेरे हस्बैंड को भी हुआ, बट कोविड तो ठीक ठाक चला गया। आफ्टर फ्यू डेज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम एंड ही हैड अ प्रॉब्लम, बहुत जोर से उनको खांसी, इतनी खांसी, पूरी रात वॉमिटिंग, और उनको एक पैरालिटिक अटैक आया वोकल कॉर्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स में जब अटैक आया तो उससे क्या हुआ कि आवाज बिल्कुल चली गई, ही लॉस्ट हिज वॉइस एंड इट वॉज अ वेरी स्केरी थिंग दैट टाइम, बट गुरुजी से प्रेयर, गुरुजी से हरदास की गुरुजी, संगत जी ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो गुरुजी हमारे हमें कुछ दुख या दर्द या जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो तो हमने ही पूरे कर रहे हैं, बट आई थिंक उसको कितने आराम से वो निकाल देते हैं, कितनी इजली वो निकाल देते हैं, ये मतलब प्रॉब्लम आती है मगर एक बिल्कुल आराम से चली जाती है, निकल जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उस टाइम जब संजीव को ये कोविड का प्रॉब्लम हुई, पैरालिटिक अटैक, ही लॉस्ट हिज वॉइस, नो बट नो डॉक्टर वॉज रेडी टू सी हिम, एंड इतनी ज्यादा मतलब डॉक्टर्स, फिर अचानक एक दिन वन ऑफ माई कजन, ही इज अ डॉक्टर, भाभी सर्जन है, उन्होंने BL कपूर में अपॉइंटमेंट ली और अपॉइंटमेंट मिल भी गई, और उन्होंने देखा, उन्होंने एक्सरसाइजेस वगैरह बताई और फिजियो बताया, और जो फोटे अपना डॉक्टर ऑनलाइन ही हो रहा था सब कुछ उन दिनों, तो जब वो डॉक्टर ऑनलाइन आया जो संजीव को फिजियो करवा रहे थे, तो व्हेन ही केम तो ऐसा मतलब संजीव ने मेरे को इशारा करके बुलाया, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड व्हेन आई सॉ हिम तो 2 मिनट को मैं उनको देखती रह गई, वो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, एंड बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रहे थे संगत जी वो, तो आई टोल्ड संजय, आई सेड बस अब आपका ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने फिजियो वगैरह करवाते रहे, फिर घर में भी उसके थोड़ा टाइम बाद घर में भी डॉक्टर आके कराता रहा, एंड गुरुजी का मैं जब भी अपने घर में जो मेरे गुरुजी के स्वरूप है
मैंने उनको गुरुजी के चरणों में तिलक लगाना और वही तिलक फिर संजीव की गर्दन में थोड़ा सा ऐसे लगा देना, तो ऑटोमेटिकली संगत जी आई डोंट नो हाउ कम बट वो तिलक लगाते लगाते, जैसे रोज लगाते लगाते वो गणेश जी का फॉर्म आ गया उसमें। देन आई टोल्ड संजीव बस अब थोड़े ही टाइम रह गया, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एंड संगत जी विद गुरु जीज ब्लेसिंग विद गुरु जीज ग्रेस आफ्टर 3 3 1/2 months his voice started coming back and with Guruji's blessing now he is okay, he is normal and back to his this thing work work तो तब भी नहीं छोड़ा था, जो ऑफिस वालों ने और ओनर्स ने दे कोऑपरेटेड सो मच कि आप मेल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अपना काम करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो करना है। तब मेरा को पता नहीं क्यों इतना मन होता था कि मैं किसी तरह से मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं। देन आई टोल्ड वन डे संजय सर कि मंदिर तो नहीं खुला हुआ है मगर हम बाहर से चाहे दर्शन करके आ जाएंगे, और हम बाहर वहां पे गए, कोई भी नहीं था, बस 2 3 लोग वहां पे आई थिंक सेवादार थे, और बाय चांस उस दिन हमको जल प्रसाद उन्होंने बाहर ही पता नहीं कैसे मतलब एक बॉटल दिया, देन आई गिव दैट टू संजीव ने वो लिया। एंड मतलब आई डोंट नो बहुत मन कर रहा था कि किसी तरह से मैं मतलब मंदिर जरूर जाऊं, बट मंदिर तो बंद था, बट बाहर से ही हम लोग वापस दर्शन करके वापस आ गए। एंड विद गुरु जीज ब्लेसिंग नाउ ही इज फाइन। एंड गुरु जी संगत जी मतलब आई डोंट नो, अभी मैं कहीं जगह इतनी बार सुनने को मिलता है कि 7 सोमवार आओ या 5 सोमवार आओ तो ऐसा होगा वैसा होगा। संगत जी मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, गुरु जी ने हमें कभी भी किसी भी वैम में नहीं डाला था। जो लोग आपको कुछ भी ऐसा बोलते हैं प्लीज अगर आप नहीं जा सकते हो आप घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के उनसे एक बार बात तो करके देखिए, वो बात करेंगे आपसे। आप एक बार सरेंडर, एक बार झुक के तो देखिए उनके आगे, एक बार सरेंडर तो करके देखिए। आई नो इट्स वेरी सिंपल वर्ड टू से सरेंडर, इट्स अ वेरी सिंपल टू से बट सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर करना इज वेरी डिफिकल्ट नो डाउट अबाउट इट, बट आप एक बार ये करके तो देखिए। गुरु जी की महिमा इतनी ज्यादा है, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है कि आप काउंट करते करते थक जाएंगे। और दूसरा गुरु जी नोज, गुरु जी कहते थे मंगो ना मेरे को मनो मैनू, मेरे से कभी भी कुछ मांगो मत मनो मेरे को मानो आप। तो गुरु जी को पता है कि हमारे लिए क्या पहले चाहिए, पहले क्या बेस्ट है। गुरु जी हमेशा कहते थे हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थ नहीं है तो आपके पास अगर वेल्थ भी है तो उस वेल्थ को क्या करोगे। तो गुरु जी हमेशा हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लाइफ लाइफ भी बाद में, हेल्थ पहले लाइफ फिर वेल्थ, वेल्थ वॉज द लास्ट थिंग ही वुड से, बिकॉज अगर आपके पास हेल्थ नहीं होगी लाइफ नहीं होगी तो आप वेल्थ को क्या करेंगे। तो गुरुजी से कभी भी कुछ मांगे नहीं संगत जी, गुरुजी के आगे बस झुक जाइए सरेंडर कर दीजिए। ही इज द बेस्ट जज टू से टेल अस कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो गुरु जी कहते थे मैं कोई दुकान खोल के थोड़ी बैठा हुआ इतने कि ऐ दे दियो वो दे दियो या ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, यू हैव मंगो नहीं मेरे को लू मंगो नहीं मेरे को लू। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं संगत जी, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। और आप प्लीज किसी भी वैम में मत पड़िए। उस दिन पता नहीं कोई मेरे को एक आंटी मिली कि मेरे को कहीं से ब्रेसलेट लेने हैं, मेरे को पता नहीं 101 ब्रेसलेट सबको देने हैं, ऐसा मेरे को किसी ने बोला। तब मेरा मैं कहा प्लीज आंटी इन वैमों में मत पड़िए आप, गुरु जी जब थे तब तो हमको कोई ब्रेसलेट कोई कुछ नहीं। गुरु जी कभी अपना एक छोटा सा वो फोटो वाला जो होता है वो कभी कभी दे देते दे थे तो दे देते, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ब्रेसलेट नहीं थे, कोई लॉकेट नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी। तो आप पता नहीं कौन ये सब बातें कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। अब देयर आर सम पीपल दोज हु कांट अफोर्ड, अब वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब लोगों ने दुकानदारी शुरू कर दी है कि प्लीज प्लीज संगत जी ऐसा मत कीजिए। और गुरु जी पे बस गुरु जी के ऊपर फेथ रखिए, गुरु जी के साथ हमको कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द गुरु जी। आप गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए
और गुरु जी यू डोंट नीड अ मिडिल मैन, कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, कोई बोले कि मैं आपके, मैं गुरु जी ने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, ये करो वो करो, प्लीज संगत जी इन सब चीजों में मत पड़िए। और मंत्र जाप आप की करिए, मंत्र जाप में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा आपको खुद को फील होगा जब आप मंत्र जाप करेंगे कि मतलब आपको कितनी उसमें से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग है, हम लोग जिनीवा गए, माय एल्डर डॉटर शी इज इन स्विट्जरलैंड, तो हम लोग उसके पास गए, उसके कॉन्वोकेशन था, उसके बाद हमारा प्रोग्राम था इटली वगैरह रोम वगैरह घूमने का, पूरी बुकिंग्स हो रखी सब कुछ हो रखा। एंड माय हस्बैंड ही इज अ सेलर, तो हम लोग एज इट इज सब जगह तो घूमे हुए हैं, मगर ये हॉलीडे वाला जो था वो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, तो वो था। तो हम लोगों का कॉन्वोकेशन के बाद माय हस्बैंड टोल्ड मी कि सर रोम वगैरह में बी वेरी केयरफुल, वहां पे बहुत जेब वगैरह काटे जाते हैं, तो यू बी केयरफुल विद योर पर्स एंड ऑल, ऐसे रोके। मगर जैसे ही हम जिनीवा से जा रहे थे इंटरलाकन, तो रास्ते में संजीव का जो है लैपटॉप बैग चोरी हो गया, एंड उसमें हमारे सारे पासपोर्ट और सब कुछ, एंड वी वर नॉट एबल टू गो एनीवेयर बिकॉज वी लॉस्ट द पासपोर्ट। तो वहां पे इंडियन एम्बेसी में जब हम गए तो वहां से टेम्परेरी पासपोर्ट बना जस्ट टू कम बैक टू योर कंट्री, टू कम बैक टू इंडिया। तो जब बाहर निकले हम वो लेके, तो मतलब दैट डे के मतलब अपने घर की जो इम्पोर्टेंस होती है वो समझ में आई। मगर पता नहीं गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी किसी भी बात के लिए कोई सॉरी फील नहीं होता। उस दिन बस एक यही थॉट आया बाहर निकल के कि शायद ऐसा हुआ इसमें भी कोई भलाई ही होगी, गुरु जी ने इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो ऐसा हुआ। तो एक पॉजिटिव फीलिंग मतलब बहुत ज्यादा मेरे को अपनी लाइफ में दिखती है गुरु जी के साथ जुड़े, मतलब हर एक चीज में लगता है कि शायद गुरु जी की ऐसी मर्जी थी ऐसा हुआ। तो मतलब एक डिफरेंट टाइप ही, एक डिफरेंट टाइप का कंफर्ट लेवल कह लीजिए आप या जो भी कह लीजिए, एक फील होता है कि मतलब जो कुछ कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं हमारे लिए, शायद यही मतलब ठीक रहा होगा, जो मतलब पासपोर्ट घूमे और हम आगे नहीं घूमने जाए, हो सकता है उसमें और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होनी थी या जो भी है। तो गुरु जी का संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं वो कम है, बस गुरु जी से यही विनती है कि गुरु जी आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम फिर कभी डगमगा जाते हैं या कभी कुछ एक कुछ आ जाता है दिमाग में, बट गुरु जी से रिक्वेस्ट है कि गुरु जी प्लीज आप हमारा साथ नहीं छोड़ना। और संगत जी अभी 29 दिसंबर को घर में सत्संग करवाया हुआ था, गुरु जी घर में आए, गुरु जी आए और मेरे हस्बैंड का फोन आया कि आई थिंक मैसेज कहीं डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है, तो बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप अपना घर का वो भेजिए, एड्रेस भेजिए और लोकेशन शेयर कीजिए। अंकल कहते कि कहाँ कहाँ वो हो गया, तो आई सेड कि नो डोंट वरी, मतलब गुरु जी अपने आप, संगत भी गुरु जी लेके आएंगे संभालेंगे भी वही, हमको कुछ नहीं करना है। तो मैं बस जो अंकल त्यागी अंकल जो सब कर रहे थे उनको मैंने पूछा अंकल, कहते कोई बात नहीं अंकल आंटी टेंशन मत लो, बस सारे कमरे तैयार कर दो, गुरु जी आज संगत अच्छे से, मतलब गुरु जी हैं जो संगत भेजते हैं, संगत जी हम कोई नहीं है किसी को बुलाने वाले या करने वाले। तो इतनी प्यारी संगत आई गुरु जी की और इतने अच्छे से सत्संग हुआ, सबको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई लंगर प्रसाद तो पूरा हो जाएगा, मगर गुरु जी वो भी पूरा कर देते हैं। आप चाहे 100 लोगों की तैयारी करो, 150 पौने 200 लोग आ जाए, वो भी सब मतलब अच्छे से निपट जाता है। और जो सेवादार जो घर में जो मतलब हेल्प कर रहे थे वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, आपको तो उठने ही नहीं देते, तो वो एक हमारा जो गुरु परिवार बन गया है वो गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आई थिंक अपना कोई अगर आपके घर में आके कुछ करता है तो 10 बार आपको गिनाता है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मगर जो हमारा गुरु परिवार है वो आगे बढ़ बढ़ के कि नहीं आंटी आपने नहीं उठना, आप बैठ जाओ उधर जाके, और सब कुछ संभाल लेते हैं। तो संगत जी मैं तो गुरु जी का जितना शुक्राना करूं अपनी लाइफ में
बहुत कम होगा। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला, ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, मगर वो इतनी स्मूथली निकल जाएंगी कि आपको फील ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो तो हमने काटने हैं, मगर गुरु जी उसमें से आई थिंक 10% ही हमें काटने पड़ते हैं, बाकी 90% तो गुरु जी उसको वे ऑफ कर देते हैं। तो मेरे से संगत जी, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार गुरु जी के आगे झुक के देखिए, एक बार अपने आप को सरेंडर कर देखिए, गुरु जी आपको कितना ब्लेस करेंगे। और प्लीज किसी भी उसमें मत आइए कि ऐसा करना है वैसा करना है, किसी भी वहम में मत पड़िए। गुरु जी ने हमको वहमों से बाहर निकाला था, गुरु जी ने हमको बिल्कुल वहमों में नहीं रखा था, और आपको कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, आप अपने आप ही गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं संगत जी अब अपने आप को यहीं पे रोकना चाहूंगी, और मैं विक्रम अंकल और कुणाल अंकल की बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म में अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।